रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब जरा चटखारों के समा हमारे साथ है, शेफ फरहान हमारे साथ किचन में है। शेफ फरहान के पास हो जाएंगी, आप लोग मुझे बताएं। वैसे मैं चाहूंगी अगर आप दोनों किचन में आ जाए तो कैसा रहेगा? वैसे घर में कभी किचन में आप लोग गए, कभी काम किया आपने? रोजा गुजार मैं तो बहुत करता हूँ। मैं एक वक्त तक तो मैं नाश्ता रोज खुद बनाया करता था अपनी पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, जब से मेरी नौकरी लगी तो मैं थोड़ा सा बिगड़ गया हूँ, और अभी भी बना लेते मौका मिलता। हाँ, मैं घर में अगर होता हूँ तो अफ्तार में पकोड़े शकोड़े मैं ही तलता हूँ। हाँ, कितनी जबरदस्त बात है। फैसल साहब, आप कुछ करते हैं घर में? तनकीद यानी कि वो भी आप टॉक शो समझ के बैठे होते हैं? हाँ, मुसद तेल ज्यादा है, मिर्च कम है या नमक ज्यादा है? अभी थोड़ी देर पहले एक तनकीद मुझे भी की है, लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें। वो चैनल पे की है। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल पे खबरों में जो करते हैं। मेरी रेसिपीज में ज्यादातर कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ज्यादातर स्पाइसेस यूज नहीं करता हूँ। बहुत कम मसाले में सिर्फ कोशिश करता हूँ कि नमक और सफेद मिर्च या काली मिर्च, उसके साथ में अच्छा टेस्ट देने की कोशिश करूं ताकि बनाने में भी आसान हो और खाने में भी मजेदार हो और नुकसान भी ना दे। सर, मतलब आम आदमी तो नमक और मिर्च सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ज्यादा है कम है। ये तो मतलब धनिया तो गर्म मसाला तो हर चीज आपको बता देंगे कितना कम धनिया डाला था। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल ऐसे कि इसमें जरा जीरा कम है या इसमें धनिया थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मीने आदतें खराब की हैं, बचपन से इतने बेहतरीन खाने खिला गए कि वो, और उसकी वजह से एक टेस्ट जिसको कहते हैं ना डेवलप हो जाना, तो वो डेवलप हो गया है। और कहीं भी 19-20 हो, जो कि कमबख्त हर जगह ही होता है 19-20, बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर जबान जो है ना आदमी की कहती है कि अम्मा ये अच्छा नहीं किया हमने साथ। अच्छा चल शेफरान, आज जरा बताएं क्या क्या चीजें पहले आप कर रहे हैं। अच्छा, आज तो बहुत ही एक मजेदार डिश बनाने जा रहा हूँ मैं, चिकन तेरियाकी स्टर फ्राइड वेजिटेबल। वाह, एक तो ये रमज़ान में रोज़ों की जो आप प्रोटीन्स और एनर्जी कम हो जाती है उसकी कमी को पूरा करता है। वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं, कैरेट, इसमें सेम की फली यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली की, उसके साथ जुकीनी। ये एक वेजिटेबल है जुकीनी, अगर जुकीनी ना अवेलेबल हो तो इसकी जगह आप लौकी भी यूज कर सकते हैं। किस नाम से मिलती है अगर सब्जी वाले जुकीनी, को कहें जुकीनी कह दें, जुकीनी कह दें या लंबा कद्दू भी कहा जाता है। लंबा कद्दू, हां ये जुकीनी भी कहा जाता है, लंबा कद्दू से तो हमें याद आ गया कि हमने देखा है। मशरूम्स यूज करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर कैप्सिकम यूज होगा, टोमेटोज यूज होंगे और अनियन यूज होगा। अच्छा, इसका तेरियाकी एक सॉस का नाम है जो एक बहुत ही मजेदार फ्लेवर्ड सॉस है। उस सॉस के यूज करने बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सोया सॉस, उसके साथ सोया सॉस की मिकदार का पानी, उसके साथ सेसमी ऑयल, तिलों का तेल। उसके ये साथ सॉस आप खुद बना रहे हैं? जी, ये सॉस मैं खुद बना रहा हूँ, इसका नाम है तेरियाकी। इसके साथ से मिल जाता है ना, वो भी मिल जाता है, तेरियाकी बना बनाया हाँ, भी मिल जाता है। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये प्रेफर करता हूँ कि खुद बनाई हुई चीज ज्यादा टेस्टी होती है। उसके साथ चावल का सिरका, ब्राउन शुगर, जिंजर और गार्लिक। ब्राउन शुगर घर ले जाएंगे हमारे बेगम, कुछ शक होता है। अच्छा, बहुत बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल सॉस है, बहुत ही सिंपल सॉस है। जितनी क्वांटिटी हमारे पास सोया सॉस की है, हाफ कप सोया सॉस और हाफ कप इसमें वाटर ऐड करेंगे। हम वजन हो दोनों, हम वजन बिल्कुल ठीक है जी। एक कप ब्राउन शुगर यूज करेंगे, ऐड करेंगे, शुगर जा रही है इसमें, हर चीज में आप कह रहे विदाउट शुगर। हम लेके क्या जाएंगे घर, वो और है पूरा पैकेट है। तकरीबन तकरीबन 4 से 5 बड़े क्लोव्स गार्लिक, लहसुन के जवे ठीक है। और बोले आम लोगों को नहीं समझ में आता ना क्लोव्स ऑफ गार्लिक, हालांकि ये भी नहीं समझ आया जो उन्होंने कहा है। बहरहाल तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सेसमी ऑयल यानी तिलों का तेल। इन तिलों में तेल था? तिलों में तेल था बिल्कुल। और तकरीबन 3 टीस्पून चावल का सिरका, चावल का सिरका। तो ये किस नाम से मिलेगा मार्केट में? ये चावल के सिरके के नाम से मिलता है। वाह वाह, ये मुझे सवाल बहुत, अगर इसका मुझे नहीं पता कि ये मिलता भी है। नहीं, इसका एक और चीज, अगर चावलों का सिरका अवेलेबल ना हो रहा हो तो चावल को ब्राउन करके भून के सिरके में डबो के और 1-2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। आपने इतनी मेहनत बता दी है ना कि मुझे सिरका ही नहीं चाहिए। दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, पिसना घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है, तो भाई बाजार से जाके खरीद के ले आएंगे। ये अच्छा, आसानी से अवेलेबल हो जाता है चावल के सिरके। अच्छा, कभी आपने चम्मच भी नहीं हिलाई कभी किसी हांडी में? नहीं, चम्मच हिलाया, खाते हो क्यों नहीं। हाँ, तो इसने पकाया भी है। ये अलग बात है कि जब मैं, पुरानी बात है,
ऑडिट फर्म में काम करता था दुबई में, तो बनाता था खाना, बनाया और बना के मैं खुद तो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने चला जाता था। से क्या सूझी इतनी अच्छी, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे? नहीं है, कॉम का ऑडिट होना बहुत जरूरी है, ओवरऑल कैथारसिस होना जरूरी है, और सियासत के अलावा निज़ाम सही नहीं होता ना, निज़ाम तब्दील होता है। सियासत आप कुछ भी कर लें, आप लिख लें, गा लें, होस्टिंग कर लें, एनजीओ चला लें, या मुझे भी बात लगा रहे हैं सबको। अच्छा, मैंने इसीलिए इरादा तर्क कर दिया। हाँ, मैं सिर्फ काम सियासत से ही हल होना है। ठीक है, ठीक है जी। चिकन हमने डाल दिया और इसमें भी पूरी सॉस, हमने थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे इसके अंदर चिकन। इसमें आप ज्यादा फोकस करवा रही हैं, हमारा रोजा मुश्किल हो रहा है। नहीं नहीं, ये आप ही के लिए बन रहा है। अच्छा, ये आप ही के लिए बन रहा है और ये हमें जो अच्छा, इस, मिल जाएगा। इस रेसिपी में जो मसाला है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है। अच्छा, नथिंग एल्स। अरे, सिर्फ नमक डलेगा इस रेसिपी में, ना कोई व्हाइट पेपर है, ना ब्लैक पेपर है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक है, वेजिटेबल्स है और तिरयाकी सॉस है। अच्छा, कभी आपने इनसे नहीं सीखा, सारे घर में पकौड़े चलते हैं तो आपने भी पहली बार पता चला मेरे ख्याल। हाँ, नहीं मना मना कर देते आपको, ये खासा बिगड़ गया है पिछले चंद वर्षों में। वैसे ये बातें बताता नहीं है कोई घर में काम करने वाले। अच्छा, एक इसमें एक बात और ऐड करता चलूं, बेसिकली ये इंडोनेशियन डिश है और बहुत सारे ममालिक में अफतारी में, जैसे हम लोग यहाँ पकौड़े समोसे लाइक करते हैं और पकौड़े समोसे को प्रेफर करते हैं, इस तरह लोग तिरयाकी चिकन को बहुत प्रेफर किया जाता में। है अफतारी में तिरयाकी चिकन को बहुत प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इजराइल। इस तरह हम सोचते हैं ना कि आज पकोड़े होनी चाहिए, समोसे जलेबियां होनी चाहिए अफतारी के लिए, आज हम ये सोचे तो, कि आज तिरयाकी होनी चाहिए, आज हम ये सोचे तिरयाकी होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ।